यहाँ हम जैसे लोग मगरमच्छ जैसे कुख्यात जानवर को देखने भर से हिट जाते हैं, वहीं थाईलैंड के लोग इन मगरमच्छों को पालने के लिए तरसते हैं। भला ऐसा क्यों? तो देखिए, थाईलैंड में मगरमच्छों की खेती करना काफी मालामाल कर देने वाला बिजनेस है। एक फीमेल क्रोकोडाइल एक बार में 40 से 80 अंडे तक दे सकती है, जिनको बड़ी सावधानी से उनसे कलेक्ट कर लिया जाता है और करीब 80 से 90 दिनों तक इंक्यूबेट करने के बाद इनमें से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। एक फार्म में हजारों की तादाद में मगरमच्छों को एक साथ पाला जाता है। इनको अच्छा अच्छा खाने पीने को दिया जाता है और इनकी अच्छे से देखभाल होती है, पर सालों बाद इनके बड़े होने पर इनका ये सारा खाया पिया निकाल लेते हैं, क्योंकि इनको किसी और काम के लिए नहीं बल्कि इनके मांस, खून और खाल के लिए पाला जाता है। इन चीजों को इंटरनेशनली काफी ऊंचे दामों पर बेचा जाता है, जैसे कि इनके एक किलो मांस की कीमत 600 रुपए, एक लीटर खून की कीमत 1000 रुपए और इनकी चमड़ी से बने जूते, बैग्स और जैकेट तो लाखों में बिकते हैं। और तो और लोग भी इन्हें खरीदना पसंद करते हैं। बाकी क्या अपने मतलब के लिए ऐसे मगरमच्छों को मारना अच्छी बात है?